आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो गाइस इस वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे जो कि बेस्ड है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्वेश्चन में क्या बोला है इफ रेडियस ऑफ अर्थ कॉन्ट्रैक्टेड बाय 0.1% इट्स मास रिमेनिंग द सेम देन वेट ऑफ द बॉडी एट द अर्थ सर्फेस विल इनक्रीज बाय तो हमें बताना है कि वेट क्या हो जाएगा अगर जो रेडियस ऑफ अर्थ है सपोज ये रेडियस है अर्थ का इसका मास बोल देते हैं एम तो ये रेडियस श्रिंक होके क्या मतलब वन परसेंट अगर श्रिंक हो जाए तो हमारे पास वेट क्या हो जाएगा अब देखो क्योंकि जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो रेडियस ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड करती है तो वेट में तो चेंज आएगा है ना अब कितना चेंज आएगा ये देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का किसी भी प्लेनेट के लिए जी इज इक्वल टू जी एम ठीक है मतलब आता कैसे थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे सपोज मान लो कोई ऑब्जेक्ट है है ना सरफेस ऑफ अर्थ पे तो हम क्या बोल सकते हैं इस पे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ठीक है न्यूटन सेकेंड लॉ पे जो फोर्स लग रही होगी वो एम जी के इक्वल लग रही होगी है ना क्योंकि

जी मल्टीप्लाई बाय दोनों का प्रोडक्ट ऑफ और उनके बीच उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर तो यहाँ पे इन दोनों का सेंटर एक्चुअल में रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल इक्वली होगा कि ये जो हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं बहुत छोटा ले रहे हैं ठीक है मतलब अर्थ के कंपैरिजन में तो अब हम क्या कर सकते हैं स्मॉल एम से स्मॉल एम कट गया स्मॉल एम क्या है इसका मास तो जी हमारे पास यहां से आ जाता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर ठीक है तो इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं जैसे सबसे पहले क्या कर लो कि हमारा आर क्योंकि चेंज होगा और कितना चेंज होगा जीरो पॉइंट रेडियस ऑफ अर्थ के तो वो वैल्यू पुट कर दो और जी डैश की वैल्यू में चेंज निकाल लो मतलब डिवाइड करके पहला तरीका वो है एक तरीका होता है एरर एनालिसिस से हमने सीखा हुआ है कि सपोज ऐसे कोई भी क्वांटिटी है तो यहाँ जी और एम तो है है ना तो हम क्या बोल सकते हैं जो भी परसेंटेज चेंज इन जी आएगा परसेंटेज चेंज इन मतलब एक तरह से परसेंटेज नहीं अभी फ्रैक्शन निकाल लेते हैं तो जी डेल्टा जी अपॉन जी जो होगा वो क्या होगा आर मतलब डेल्टा आर अपॉन आर और यहाँ पे जो इसकी पावर होती है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है समझ गए जो भी यहाँ पे पावर होती है किसी भी टर्म की जैसे एग्जाम्पल के लिए इधर अगर समझे तो मान लो एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एन है और हमें ए में एरर मतलब ए में एरर दिया हुआ है एरर यानी चेंज दिया हुआ है एरर कह लो या चेंज लो एरर में फिर हम प्लस माइनस दोनों करेंगे जब फाइनल वैल्यू लिखेंगे तो अगर मान लो ए में चेंज दिया हुआ है तो एक्स में हम चेंज कैसे निकालेंगे डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एन और डेल्टा ए बाय डेल्टा ए।, ए हमें दिया होगा ए पता ही है तो डेल्टा एक्स बाय एक्स आ जाएगा समझ गए अब ये तो हुई ए की पावर एन के बाद अगर वन बाई ए की पावर एन है तो भी वही होता है यहाँ एन मल्टीप्लाई हो जाता है तो वही यहां हमने किया अब क्या करते हैं दोनों तरफ हंड्रेड हंड्रेड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल तो टू टू इन टू डेल्टा आर अपॉन आर डेल्टा आर अपॉन आर और यहाँ दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं हंड्रेड से मल्टीप्लाई ये हो गया हंड्रेड से मल्टीप्लाई और ये भी हो गया हंड्रेड से मल्टीप्लाई अब हमें परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं वेट निकालना है तो दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं मतलब ऊपर नीचे दोनों तरफ नहीं सॉरी ऊपर नीचे मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये हो जाएगा W- डैश अपॉन W है ना क्योंकि एम जी और यहाँ एम डेल्टा जी तो डब यहाँ डेल्टा W डैश नहीं आएगा चेंज इन वेट आएगा इन टू हंड्रेड टू इंटू और ये हो जाएगा पर ये पूरा जो है परसेंटेज चेंज इन रेडियस है तो हमें ये कितना दे रखा है पॉइंट वन परसेंट तो पुट कर देते हैं इसे ये है पॉइंट वन परसेंट अगर इसे कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी डेल्टा डब्ल्यू डैश वैसे तो डैश लिखना मतलब जरूरी नहीं है क्योंकि डेल्टा डब्ल्यू अपने आप में ही अलग एक दिख रहा है साफ साफ तो डब्ल्यू डिवाइडेड बाय हंड्रेड ज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट टू परसेंट तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा टू परसेंट से चेंज होगा ये हमें पता चला बस ये नहीं पता चला इंक्रीज करा या डिक्रीज करा तो उसके लिए देखो ऐसे देख सकते हो कि आर हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आर क्या किया है कॉन्ट्रैक्ट की है मतलब आर डिक्रीज की है तो जी जो है हमारा इंक्रीज किया होगा है ना तो वैसे कह सकते हो कि इंक्रीज जैसे ऑप्शन में मान लो इंक्रीज जीरो पॉइंट टू परसेंट और डिक्रीज जीरो पॉइंट टू परसेंट दे देता अब तुम्हारा आंसर ये आ रहा है तो कौन सा लगाओगे तो उसके लिए फिर ये फॉर्मूला जो है तुम्हारा मेन मतलब किसी भी जैसे ये अगर फॉर्मूला इस केस में ये होता तो वो इस केस में हमारा ये फॉर्मूला है तो यहां देख लो कि वो क्वांटिटी कैसे प्रोपोर्शनल है आर हमारा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल था तो ये डिक्रीज किया तो जी इंक्रीज किया होगा समझ गए तो यहाँ जीरो पॉइंट टू परसेंट इंक्रीज हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सिक्स से ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा होता आज डाउनलोड करें डाउट ने या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर